हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोग को कुछ नया बातें बताने के लिए। आज मैं आप लोगों को वट सावित्री जो व्रत होता है उसके बारे में बताऊंगी। वट सावित्री व्रत जो है इस बार 6 जून को पड़ रहा है। वट सावित्री व्रत अपने पति के लिए रहा जाता है। पति के लिए व्रत उनकी लंबी आयु के लिए रहा जाता है और उसमें बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। बरगद का पेड़ होता है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। बरगद के पेड़ के नीचे ही सावित्री जी ने यमराज से अपने 3 वरदान प्राप्त किए थे, जिससे वो अखंड सौभाग्यवती हो और पुत्रवत प्राप्त हुआ। तभी से बरगद के पेड़ में सावित्री जी का वास होने लगा था। जो भी स्त्री बरगद के पेड़ की पूजा करती है उसे माँ सावित्री जी अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्रदान करती है। निसंतान जोड़े को संतान का सुख प्रदान करती है और उनके जीवन में सदा सुख बना रहता है। जिनके यहाँ वट सावित्री का व्रत नहीं रहा जाता है वो भी वट की पूजा करके इसका फल अवश्य प्राप्त कर सकती हैं। अब एक और सवाल मेरे मन में और आप लोगों के मन में जरूर होगा कि इस साल जो नए जोड़े हैं जिनकी इस साल शादी हुई है वो लोग वट सावित्री का व्रत रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। इस बार जो है वट सावित्री का व्रत 6 जून को पड़ रहा है, लेकिन जो शुक्र ग्रह हैं वो 30 जून तक अस्त रहेंगे। अगर कहा जाता है शुक्र ग्रह के अस्त रहने पर कोई भी मंगलीय कार्य नहीं करा जाता। ये जो व्रत है स्त्री के स्वास्थ्य संबंधित व्रत होता है और इस जो ये व्रत है इसको उम्र भर के लिए रहा जाता है, इसको छोड़ा नहीं जाता। अगर कोई भी एक बार इस व्रत को स्टार्ट कर देता है तो उसे कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तबीयत खराब हो, तभी इस व्रत की पूजा की जाती है, कभी भी इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। और अगर इस व्रत का आरंभ कर रहे हो तो शुभ समय पर ही करना चाहिए। तो इस कारण इस साल जो भी नए जोड़े हैं शादीशुदा जोड़े हैं वो इस साल इस व्रत का आरंभ ना करें। उसको करने चाहते हैं तो वो अगले साल इस व्रत का आरंभ करें, क्योंकि ये जो है एक तरह का मांगलिक कार्य है। मांगलिक कार्य गुरु और शुक्र ग्रह के अस्त होने पर नहीं करना चाहिए। और जो लोग पहले से ये व्रत रह रहे हैं वो इस साल भी ये व्रत करेंगे। तो कोई भी और जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोगों को बता दूँगी। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल से। बाय बाय, थैंक यू।